हैदराबाद के कटघर पीतल नगरी स्थित कामेश्वर महादेव मंदिर में सावन महोत्सव के चलते 11वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश शर्मा ने पूजा अर्चना के उपरांत सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। मंदिर प्रांगण में अखंड रामायण के समापन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा पूजन के बाद दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि तक चला। क्षेत्र के हजारों भक्तों ने भंडारा खाकर धर्म लाभ कमाया। इस अवसर पर क्षेत्र के हर दिल अजीज, क्षेत्रवासियों की धड़कन, धर्म प्रेमी पूर्व पार्षद राहुल शर्मा भी पूरे समय भक्ति में विभोर होकर भक्तों की सेवा में लगे रहे। इस अवसर पर पूर्व पार्षद राहुल शर्मा ने बताया कि हम सभी क्षेत्रवासी मिलजुल कर सावन मास में भगवान कामेश्वर महादेव का वार्षिक उत्सव मनाते आ रहे हैं। इस वार्षिक उत्सव को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग पहले रामायण पाठ आयोजन करते हैं। ये उत्सव 11वां उत्सव है। 11 वर्षों से हम इसी तरह से ये उत्सव मनाते आ रहे हैं। अंत में राहुल शर्मा पार्षद ने शुभकामनाएं देते हुए सभी भक्तों को भंडारे का भोग लगाया। इस बीच अध्यक्ष जय प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष हरिओम शर्मा, राहुल शर्मा पूर्व पार्षद संजय शर्मा, डॉक्टर सीपी सिंह, मनजीत शर्मा, सुमित शर्मा, पुजारी दीपक जोशी आदि उपस्थित रहे। आज का प्रोग्राम मंदिर में संपन्न हुआ। यहाँ पीतल नगरी के अंदर श्री कामेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम, जो हमारा श्री कामेश्वर महादेव मंदिर है, जिसको 11वां हमारा वार्षिक उत्सव था। 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं यहाँ मूर्ति स्थापना को। और प्रथम दिवस में कल 17 तारीख में अखंड रामायण पाठ के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ था। और आज रामचरितमानस का विश्राम के बाद महायज्ञ की यहाँ सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर आहुति दी। और उसके बाद सारे समाज के लिए, जो हमारे सारे कॉलोनी के लोग हैं, उन सबके लिए यहाँ भंडारे की व्यवस्था थी। और सभी लोग यहाँ भंडारा प्रसाद लेकर अपने ईष्ट को मना रहे हैं। यहाँ अपना जो श्री कामेश्वर महादेव मंदिर है, उसका 11वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कई संस्था का या बगैर संस्था का भंडार चल रहा है? ये श्री कामेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट है। ट्रस्ट के द्वारा ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर साल सावन के चौथे सोमवार। ट्रस्ट में कौन कौन शामिल है? ट्रस्ट में हमारे सभी, जो हमारे समिति के अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री जयप्रकाश शर्मा जी, आदरणीय हरिओम शर्मा जी, सचिन शर्मा जी, हमारे सुमित शर्मा जी, कुंवर पाल जी, भजन लाल पाल जी, अमित शर्मा जी, पिट्टू शर्मा जी, ये सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। भंडारा एक किस समय से किस समय तक चलता है? भंडारा 1 बजे से लगातार प्रभु इच्छा तक जारी रहेगा। अभी चल रहा है भंडारा, जब तक पब्लिक आती रहेगी भंडारा चल रहा है। क्या भक्तों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? भक्तों के लिए यही संदेश है कि हमारे इस संस्था से जुड़िए, और जो हमारी सनातन संस्कृति है, इसमें सब लोग जो इसका ब्रद रूप है, इसको जानिए, इसको समझिए और इससे अपनी जड़ों से जुड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सिंह जी। क्या प्रोग्राम हुआ आज मंदिर के अंदर? अनेक पूर्व वर्षों की भांति हमारे यहाँ हर साल आखिरी सोमवार के पहले जो रविवार आता है, उसको भंडारे की व्यवस्था रहती है। और उससे पहले अखंड पाठ रामायण का पाठ रहता है, और उसके बाद में हवन वगैरह होके फिर उसके बाद में भंडारा शुरू होता है। कब से कब तक चलता है भंडारा? भंडारा दोपहर 12 बजे के बाद में और रात को 11 बजे तक। क्या क्या प्रोग्राम हुआ आज मंदिर के अंदर? आज सर्वप्रथम तो अखंड पाठ का रामायण समाप्त हुआ, और उसके बाद में हवन आदि, सभी भक्तों ने मिलकर आरती में सम्मिलित हुए, और सभी क्षेत्रवासी मिलकर इस महाधर्म पर्व को मनाते हैं और अच्छी तरह से व्यवस्था अपनी रहती है। भगवान के भक्तों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? राम के भक्तों के लिए हमारी तरफ से यही, हमारी समिति की तरफ से यही संदेश है कि सब मिलजुल कर उत्साह के साथ में रहें, और अगर कोई हमारे ऊपर बाधा आती है तो मिलजुल कर उसका सामना करें।